कितने अरसा दे रहे हैं दूसरे इलेक्शन से पहले? आपको क्या लगता है कितने अरसे में रोला पै जाएगा, मियां साहब लड़ पाएंगे और गाल बढ़ जाएगी? अकेले भाग रहे हैं, 100 मीटर की दौड़ है, मियां साहब अकेले भाग रहे हैं। अगर हाली भी एक पहले नंबर पे ना आए तो फिर तो बड़ी जाती होनी होना। कहते हैं ना आटा गुंदे हेल्दी क्यों है, वो जो मिसाल बनी हुई है, तो वो अगर हिलेंगे भी तो उसके ऊपर भी सवाल तो उठेगा कि भाई आटा गुंदे हुए हिल रहे हैं। तो चीजों पे आपको लगता है कि टेक्निकल ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर नॉकआउट करने की कोशिश हो रही है, तो ये टेक्निकल ग्राउंड ही होगा। लेकिन ये सामने रखे उसके मुताबिक मैंने आरोज अपॉइंट किया, मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया, मैंने सारा दिन नॉमिनेशन पेपर पूरा दिन जो हमारा रकम दिसंबर साहब है शायद लोग जो जालिम ज्यादा हो गए जिनकी वजह से तरीके से ज्यादा मुश्किल पै गई है। सर, लेकिन जब आप कहते हैं मुंतखब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, तो फिर मुंतखब करने की क्या जरूरत है सारों को? इसी तरह पार्लियामेंट में बैठा दें। एग्जैक्टली, ये जो आपने जो इलेक्शन कराए हैं जी, ये बताएं कि सारे कह रहे हैं कि यार कुछ थोड़ा जाकर चीनी पा देनी सीधे, कौन सी अपोजिशन? ये जो अभी पीडीएम की अपोजिशन थी, ये चाहिए आपको? इससे पिछले वाली अपोजिशन, राजा रियाज वाली अपोजिशन, ठीक है, राजा रियाज वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इलेक्शन होने में तकरीबन 60 दिन रह गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन माइक्रोस्कोप फिट करके तलवार उठाए खड़ा है और सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर ही नजर रखे हुए है। इस पर आज सीनियर एंकर काशिफ अब्बासी और एजाज उल हक ने इलेक्शन कमीशन को ऐसा बेनकाब किया कि मजा आ गया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये जो इलेक्शन कमीशन वैसे ही तलवार लेकर खड़ा है तरीके इंसाफ पर, उस पर वो कहते हैं कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी, वो इलेक्शन कमीशन मौके लाभ रहा है, कोई तरीके इंसाफ ही मौके फराम कर रही है, ये इस तरह के इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी? जरा बेहतर प्रोसेस कर लेते। आपका म्यूट है मुनीब, मेरा ख्याल आपका स्काइप म्यूट पर है। नहीं, अभी भी आपके आवाज जी, मेरी आवाज अब आ रही है जी। अरे सर, बात यह है कि वो शहर के लोग तो ज्यादा जालिम हुए हैं तरीके इंसाफ के ऊपर। मरने का शौक चलो होता ही है कभी, अगर कोई बहुत ज्यादा अंत आई भी हो, लेकिन जरा शहर के लोग ज्यादा जालिम हो गए। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से अगर आप ये कह सके, व्हाट चॉइस डिड दे हैव, ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ कि एंड रिजल्ट अहम नहीं होता, प्रोसेस भी बहुत अहमियत का हामिल होता है। लेकिन ये इलेक्शन जिस तरीके से हुआ, ये मुझे डांग सोटे वाला ज्यादा नजर आया कि ठीक है जी, आपने एक बंदा इलेक्ट करना है, ये नहीं कि अब अनअपोज लोग पहले कहीं और इलेक्ट नहीं हुए, बीएमएलएन में होते हैं, पीपल पार्टी में भी ऐसे ही शायद होते होंगे और पैनल प्रोसीडिंग ऐसी ही होती है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि अगर आप इलेक्शन एक्ट को देखें और इलेक्शन लॉज को देखें, तो आपने जो पूरा प्रोसेस होता है वो बताना होता है इलेक्शन कमीशन को कि जी अच्छा जी हमारा इस तरह से कंडक्ट हुआ, ऐसे वोटिंग हुई, अगर अनअपोज भी थे तो किस तरह की लोगों को क्या वोट मिले, किस किसने कागजात नामजदगी हासिल किया, क्या क्या हुआ, कुछ ना कुछ चीजें तो फर्निश करनी है। बेशक पीटीआई कहती रही कि जी हमने सारी चीजें फर्निश कर दी है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो उसके ऊपर गवर्निंग अथॉरिटी है वो तो इलेक्शन कमीशन है। वो माइक्रोस्कोप लेकर और तलवार लेकर बैठी है ना मुनीब, मसला ये है कि वो माइक्रोस्कोप भी लेकर बैठी है, वो तलवार भी लेकर बैठी है, उन्हें कांच फीट करनी है। उससे पहले भी जो प्रोसेस उन्होंने किया है उसके मुताबिक तो सारों का ख्याल था कि यार ये उसी तरह का है जिस तरह नून का होता है या पीपल्स पार्टी का होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दोबारा इलेक्शंस करा के हैं, वो इस दफा कैसे जाने देंगे? देखिए, दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बड़ी बुरी तरीके से डैमेज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो किसने अनाउंस करना है बेसिकली इलेक्शन किसका इस्तेहकाक था, उसके ऊपर मेरा पहले दिन से कंसिडर्ड ओपिनियन था कि अगर आप आइन को देखें तो वो सदर का इख्तियार है, लेकिन निगरान वजीर कानून ने भी मेरे समझता हूँ गलत या मानी खेज किस्म की अपने मतलब की उनको एक इंटरप्रिटेशन करके दी, इलेक्शन कमीशन ने खुद भी ये करवाया। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन की अपनी क्रेडिबिलिटी बड़ी वो इन क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल में वो क्रेडिबिलिटी अब गिवन है कि वो इन क्वेश्चन रहेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम ज्यादा वो शहर के लोगों का जालिम होने से है कि फैक्ट ये है कि ज्यादा जालिम हो गए ना जी, वो अब आप खुद उन्हें मरने का शौक है ये नहीं है, अब तो आप कहते हैं ना आटा गुंदे हेल्दी क्यों है, वो जो मिसाल बनी हुई है, तो वो अगर हिलेंगे भी तो उसके ऊपर भी सवाल तो उठेगा कि भाई ये आटा गुंदे हुए हिल रहे हैं। तो अब वो तहरीके इंसाफ जो मर्जी कर ले, मैं ये मानता हूं कि वो कोई इतना साफ शफाफ या ट्रांसपेरेंट कम अज कम फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर कोई माइनर डिस्क्रेपेंसीज है तो वो शायद इतनी ओवरलुक भी की जा सकती है, ओवरलुक करनी चाहिए भी है किसी की भी हो। देखिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती है जिसपे नजर समझ आती है कि कोई किसी ने स्ट्रॉन्ग व्यू लिया है, चाहे वो कोर्ट्स हैं चाहे इलेक्शन कमीशन है, और कुछ चीजों पे आपको लगता है कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर नॉकआउट करने की कोशिश हो रही है, तो ये exactly. ये टेक्निकल ग्राउंड ही होगा। लेकिन इजाज साहब है शहर के लोग जो जालिम ज्यादा हो गए हैं जिनकी वजह से तो तरीके साहब ज्यादा मुश्किल पै गई है, ये कुछ ज्यादा जालिम हो गए ना या थोड़ा सा मसला कम भी होगा? अभी सारे ये जो चेयरमैन हट गया है, नया बैरिस्टर गौहर आ गए, कम भी होगा मसला? देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काशिफ भाई बात यह है कि वो जो आपने कहा ना कि मंजी थले डांग फेरो, तो वो अपनी मंजी थले भी डांग फेरो, तो इसको शहबाज शरीफ साहब अटक गए थे इस बात पे, काफ़ी देर लगी उनको समझने में कि मंजी थले की फेर देने, तो यहाँ पे भी आपने तो डांग कह दिया, लेकिन वो कभी झाड़ू कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ। अब बल्ले का निशान देना है नहीं देना है, इलेक्शन में इस वक्त रह गए हैं 60 दिन से थोड़ा ऊपर, तो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि नोबडी इज सीरियस अबाउट इट, और ना ही इससे कोई नतीजा निकलेगा जिस तरीके से हम जा रहे हैं।
बड़ी पार्टी वैसे आपने कुछ अर्सा पहले कहा था याद है कि अब इस मुल्क में एक नहीं दो इलेक्शन होंगे। बिल्कुल, ये पहला वाला इलेक्शन के बाद दूसरा 100% होगा। कितना अर्सा दे रहे हैं दूसरे इलेक्शन से पहले? आपको क्या लगता है कितने अर्से में रोला पै जाएगा, मियां साहब लड़ पाएंगे और गाल बढ़ जाएगी? नहीं, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा काम। मैं ये कह रहा हूं कि कल परसों हम बैठे हुए थे, इन्हीं की जमात का एक हमारा बहुत ही करीबी भाई था तो मेरे पास आया मिलने के लिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ PMLN। तो आगे बोले एजाज भाई, मेरे पास पता नहीं क्यों आते, इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा यार मैं आपसे पूछता हूं कि आप समझ रहे हैं कि आपका इलेक्शन होगा? उसने कहा जी हाँ मेरा तो होगा। मैंने तू किसके खिलाफ लड़ रहा है? तो वो 30 सेकंड के लिए सोचने लग गया कि मेरे ओपोनेंट कौन है। उसने कहा अच्छा जी वो मेरे तो जो ओपोनेंट है वो तो है नहीं, वो तो मियां साहब इस दौड़ में अकेले भाग रहे हैं, 100 मीटर की दौड़ है, मियां साहब अकेले भाग रहे हैं। अगर हाल ही भी एक पहले नंबर पे ना आए तो फिर तो बड़ी जाती होनी उन्होंने। तो बस फिर इस तरह तो फिर वही आएंगे पहले नंबर पे, यानी कि बैठ रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, चैंबर्स में जा रहे हैं, इलेक्शन के बारे में कोई बातचीत मुझे नजर नहीं आ रही। MQM आ रही है, मुलाकात कर रही है, वापस जाया कर रही है कि पता नहीं हम अलायंस में जाएंगे कि नहीं। GDA वाले परेशान हैं कि हमें भी कहीं अलायंस के अंदर ना, वैसे अलायंस में ना डाल दिया जाए जो कि एक अननेचुरल सा अलायंस हो। तो इन सारे मामले में मैं समझता हूं, देखें देर आर कई लोग, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। सर देयर इज नथिंग कॉल्ड एन अननेचुरल अलायंस, लेट्स बी ऑनेस्ट, देख रहे हैं इजाज साहब, देयर इज नथिंग कॉल्ड एन अननेचुरल अलायंस। मतलब यहां पर कातल लीग भी आ गई, यहां पर डाकू भी आ गए, पंजाब के सबसे बड़े डाकू भी हुकूमतों में आ गए, यहां पर जिसके साथ नजरियाती इख्तलाफ थे वो भी हुकूमतों में आ गए। मतलब इसमें देयर इज नथिंग कॉल्ड एन अननेचुरल अलायंस, ये खाली वक्त की बात है, सूट करता है तो वो ठीक है, सूट नहीं करता तो अननेचुरल है। लेकिन दुरानी साहब एक पेपर लिख के लाए, मैं जरा उनसे पूछूं, वो PDM2 का नाम उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन आपका पेपर जो है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का बुनियादी तौर पे PDM2 बनाने के लिए है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जनाब मैं आपको इलेक्शन के बारे में बता दूं, मुबारक हो, कि इलेक्शन अगर रुके तो नून रुकवाएगी, पीपल्स पार्टी रुकवाएगी और JUI रुकवाएगी। ये तीनों मिलकर अगर इलेक्शन को रुकवाएंगे तो इलेक्शन रुक जाएंगे। और वो रुकवाएंगे क्यों? क्योंकि अगर उनको उन नतीज का यकीन ना हुआ जो कि इस वक्त उनके ख्याल में मतलूबा हैं, तो वो यकीनन रुकवाएंगे। तो इलेक्शन कह रहे कि अगर वो अकेले भागकर भी लगे कि हम जीत नहीं सकते तो इलेक्शन रुकवा देंगे। जी, अगर उन्हें अकेले भागते हुए बेइज्जती ज्यादा लगी कि इसमें बेइज्जती ज्यादा हो रही है तो उस सूरत में वो रुकवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप, मेरा ख्याल है नहीं रुकने चाहिए, हो भी जाएंगे इंशाल्लाह। उसका प्रेशर भी इसी तरह बनेगा कि ये उन्हें कहा जाएगा अगर रुके यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये चीज उनको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये मेन पार्टीज हैं जिन्होंने अबूरी हुकूमतें बनाई हैं, ये वो मेन पार्टीज हैं जो इस वक्त सिलेक्टेड वंस हैं, ये वो मेन पार्टीज हैं, पार्टियां किंग्स पार्टीज हैं। तो अगर इलेक्शन फिर भी नहीं होते तो इसमें दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो इसके लिए कोई तीसरी कुवत नहीं होगी। कहानी जो भी बना लें, कहानी जो मर्जी लें, जो मर्जी कहानी, जो देखे कहानी पाकिस्तान। तो फिर आप PDM2 गवर्नमेंट क्यों बनाने के ऊपर तोड़े हुए हैं? मैं जो बना रहा हूं वो आप पता नहीं बर्तानिया की मसाले ले आए, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, पता नहीं कितों कितों मसाला ले आए हो। असल में ये पढ़ी लिखी गलत जड़ी है, ये बड़ी मुश्किल होती है सर। लेकिन चले, अगर आपने पढ़ी लिखी बात जरा सिंप्लीफाई करनी, लेट मी टेल यू कि जब मैं इसको पढ़ रहा था मैं क्या सोच रहा था। मैं कहा चले ये बात तो आपकी ठीक है कि वो गैर मामूली जंग के हालात, अपार्थाइड से निकला हुआ साउथ अफ्रीका, सर वो हालात ही कुछ और थे, इंटीग्रेशन की जरूरत। पाकिस्तान में तो मामूल के हालात हैं, हर इलेक्शन से पहले यही हो रहा होता है। जर्मनी, जर्मनी जब ग्रेट रिसेशन में से गुजरा उसके बाद उन्होंने बनाई। असल बात यह है कि आपकी एक आपने कौन से ग्रेट रिसेशन की बात कर? ये जो रिसेंट वाला था, अच्छा, उसने बने सात आठ, हाँ आठ और आठ वाला, यस। और आप ये सर, लेकिन जब आप कहते हैं मुंतखब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, तो फिर मुंतखब करने की क्या जरूरत है? सारों को इसी तरह पार्लियामेंट में बैठा दें। एग्जैक्टली, अभी जो मैं, आप ये भी कह रहे हैं कि इसमें अपोजिशन नहीं होगी, जमहूरियत देखिए, पार्लियामेंट्री निजाम जैसे अपोजिशन नहीं। इसको दो मिनट में देखें, बात यह है कौन सी अपोजिशन, ये जो अभी PDM की अपोजिशन थी ये चाहिए आपको, इससे पिछले वाली अपोजिशन, राजा रियाज वाली अपोजिशन ठीक थी, राजा रियाज वाली। असल बात यह है कि आपने हर वो मॉडल, राजा रियाज साहब का नाम, ये सारे असर शुरू हो गए। देखिए, आपको इस वक्त अपोजिशन नहीं चाहिए, आपको इस वक्त मुल्क की डेवलपमेंट चाहिए, आपको इस वक्त स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी चाहिए। आप ये चाहते हैं हुकूमत आए, नैब के कानून अपने में बदले, जिस किस्म के काम करने करे और कोई उसको चेक करने वाला नहीं, वाला ना। मेरा ये ख्याल है कि ये हुकूमत जब बनेगी ये उस वक्त बनेगी जब तमाम पार्टियां बशमूल उन पार्टियों के जो इस वक्त साइड पे हैं, भले PTI हो, जब वो सारे किसी एक एग्रीमेंट पे साइन करेंगे तब ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एग्जैक्टली, अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बजाय चार्टर ऑफ पाकिस्तान करेंगे, जिसका मकसद पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की तमाम पार्टियों का मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे चलने का ऐलान होगा और वो अकाउंटेबल होंगे, 30 से ज्यादा कैबिनेट नहीं बना सकेंगे तो कहां वो बंदर बार होगा। आप यही सारे हुकूमतों में जाते हैं वजारते लेने का, लड़ाई होती किस पे, गवर्नर किसका होगा, वजारते क्या है, करते क्या है, फिर कुछ नहीं करते। ये वो हुकूमत जो करते हैं वो समझ जाए क्या, लेकिन ये वो हुकूमतें हैं, ये वो हुकूमतें हैं जिन्होंने आज तक कभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। अगर UN में इनके खिलाफ मैं चला जाऊं ना तो इनकी पूरी डिस्कार्ड हो जाएगी। विदाउट लोकल बॉडी इलेक्शंस आप 76 साल से मुल्क में जमहूरियत चला रहे हैं,
और आप कहते हैं जी यही जमहूरियत। ठीक, मैं आता हूं जमहूरियत पे भी, इसके ऊपर भी आता हूं। न्याज साहब, न्याज हमारे साथ मौजूद है, वो अभी इलेक्शन कराए उन्होंने तरीके साहब, मैं दो सवाल उनसे पूछ रहे हैं। न्याज साहब असलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई साहब। सर ये जो आपने जो इलेक्शन कराए हैं जी, ये बताएं कि सारे कह रहे हैं कि यार कुछ थोड़ा जाकर चीनी पा देनी सीधे। सारे जो कह रहे हैं ना, मैं भी सुन रहा हूं, आप अभी मुझे भी सुन लें जी। मेरा ख्याल है कि ये तहरीके पाकिस्तान का तीसरा इलेक्शन है। आपने कवरेज भी की थी, हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन 2012 में भी हुआ, जब जनरल इलेक्शन सामने आ रहे थे तो हमने अपने खान साहब को कहा था कि जी आप जनरल इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन ये ना कराएं, लेकिन हमने वो भी इलेक्शन कराए। पहली पार्टी है जिसके अंदर जमहूरी निजाम है, वाकया इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं। दूसरी पार्टियों को खौफ ये हो गया है कि ये तो जो हमने एक बादशाहत पार्टियों के अंदर कैम की हुई है, और आप सर्टिफिकेट जाके देखें इलेक्शन। सर मुझे एक बात बताएं, आपकी बात मैंने सारी मान ली कि जो आपने किया ठीक किया, मुझे बताएं जो इलेक्शन कमीशन ने पहला आपकी आपके जो इलेक्शन को नहीं माना जी, अली जफर साहब से बात को सारे कहते गलत किया है, लेकिन वो माइक्रोस्कोप लगाया हुआ उन्होंने, उस माइक्रोस्कोप में आपने ये इलेक्शन उठाकर उनके हवाले कर दिया है। देखें जो पहला इलेक्शन का आर्डर है वो 23/11/2023 का, जो दिन तक जजमेंट रिजर्व रही, ये भी आपको पता है। इंटर पार्टी इलेक्शन है, और इंटर पार्टी इलेक्शन में कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसको चलाया, 8/6 का इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर समातें होती रही, उसके बाद 2 महीने जजमेंट रिजर्व हो गई, और उसमें बात कोई भी नहीं थी कि क्या इरेगुलरिटी थी। अब फिर उन्होंने जो 20 दिन का इलेक्शन दिया भी कहेंगे वो फिर आपको आके कहेंगे जनाब काउंसिल का इजलास में ये नहीं हुआ, तो नॉमिनेशन में नहीं हुई, स्क्रूटनी नहीं हुई, इलेक्शन के अंदर जाने नहीं दिया गया किसी को, फिर इरेगुलरिटीज की बात करें। भाई साहब वो काउंसिल का भी नहीं कह सकते, जो आप शायद ईसीपी का आर्डर पढ़े ना 23/11 का, उसके अंदर मेंशन है कि वो कोविड की वजह से होता है। उन्होंने कहा जी आप 2019 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कराएं। मैंने 2019 कॉन्स्टिट्यूशन सामने रखा, रूल्स 2020 के सामने रखे, उसके मुताबिक मैंने आरोज अपॉइंट किया, मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया, मैंने सारा दिन नॉमिनेशन पेपर पूरा दिन जो हमारा रकम दिसंबर के सामने रखे, उसके मुताबिक मैंने आरोज अपॉइंट किया, मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया, मैंने सारा दिन नॉमिनेशन पेपर पूरा दिन जो हमारा रकम दिसंबर टाइम मुकर्रर था 29 को हमने इन्विटेशन किए, नॉमिनेशन पेपर रकम को हमने सिक्रूटनी की, नॉमिनेशन पेपर लिए, और मेरे पास जितने उनके सेकेंडर और प्रपोजर थे वो सारे लोग आए, जितने नॉमिनेशन पेपर। उसके बाद रूल्स ये कहते हैं कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर वन पैनल का अगर उनके पास आता है, वो अनाउंस करते हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा, वो रेजोल्यूशन की शक्ल में वो इलेक्शन अनाउंस कर देगा। अब इतनी एक्टिविटीज अगर हमने की है, अब बार बार तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी की, तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी की, और मैं ये मेरा ख्याल है मैं तीसरा इलेक्शन करा लूंगा। एक बात और है, अगर ये मेरे पास एक पैनल आता है और उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी है, मैं क्या कर सकता हूं बतौर इलेक्शन कमीशन? यही करूंगा ना कि जो इलेक्शन मैंने अनाउंस किया है, मैंने उसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुझे कहा है वो मैंने करके दिया। एक रिक्वेस्ट और है कि कल हमने पूरे 3 चक्कर लगवाए इलेक्शन कमीशन ने, फिर भी उन्होंने छोटी छोटी बातें पूछी कि ये कार्ड अटैच नहीं है, बोला हमने सारी चीजें उनको दे दी है। अब हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि टाइम थोड़ा है, 16 दिसंबर को ये शेड्यूल दे रहे हैं, हमने सर्टिफिकेट मेरे चेयरमैन ने जारी कर दिया, उस सर्टिफिकेट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने उसको पब्लिश। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या करती है। सर पीटीआई के सीनियर रहनुमा नियाजुल्लाह नियाजी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने आईन के मुताबिक तमाम कानून को मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं, मगर हमें टेक्निकल बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से आउट करने की साजिश पहले दिन से कर रहा है, और नून लीग के साथ मिलकर ये हमें इलेक्शन के मैदान से आउट करना चाहता है। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।